गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे लेसन नंबर 7, मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग शिप यानी खोए हुए जहाज का रहस्य। ऑन 5 नवंबर 1872 यानी कि 5 नवंबर 1872 को इस शिप नेम्ड डाई ग्रेटिया सेट आउट ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम न्यूयॉर्क, यानी एक जहाज था जिसका नाम था डी ग्रेटिया सेट आउट, यानी अपनी यात्रा के लिए निकला न्यूयॉर्क से। ऑन 4 दिसंबर को इट सा अनदर शिप, यानी इसने वहाँ से दूसरा जहाज दिखाई दिया, विच वाज मूविंग अनस्टेडी एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, जो कुछ ही दूरी पर अनस्टेड था यानी अस्थिर था। द शिप वाज जॉल्टिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी जो जहाज था उसमें झटके लग रहे थे, एक तरफ से दूसरे तरफ से क्या हो रहा था, हिल रहा था। इट सीम्स टू बी आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह नियंत्रण के बाहर है। द कैप्टन ऑफ डियाग्रेटिया, यानी जो कैप्टन था डियाग्रेटिया, कैप्टन ब्रिक्स, कौन थे कैप्टन ब्रिक्स, ड्रू क्लोजर टू सी, यानी उसके पास ले गए अपने, इफ़ ही कुड ऑफर एनी हेल्प, यदि वह कुछ मदद कर सके। ही सिंगल टू अदर शिप, यानी उन्होंने दूसरे जहाज की तरफ संकेत दिए, बट लेकिन देर वाज नो रिप्लाई, यानी वहाँ से कोई भी उत्तर नहीं आया। सो इसलिए ही लोअर्ड ए बोट, यानी उन्होंने एक दूसरी बोट ली, एंड विद द सेकेंड मेट और दूसरे अपने साथी के साथ, ऑफिसर के साथ, एंड सेलर और एक सेलर जो था तैराक, सेल नियर द अनस्टेडी शिप, यानी जो सर जहाज था हिल डुल रहा था उसके पास गए। दे रीड द नेम ऑफ द शिप, उन्होंने जहाज का नाम पढ़ा, मैरी सेलेस्ट। दे बोर्डेड द डेक एंड शाउटेड, यानी वो उसकी छत पर गए और चिल्लाए, इज देयर नो वन, क्या यहाँ पर कोई नहीं है, बट लेकिन नो क्रू मेंबर केम फॉरवर्ड टू रिसीव देम, यानी कोई भी क्रू मेंबर उन्हें लेने के लिए नहीं आया। द मैरी सेलेस्ट वाज सेलिंग इट सेल्फ अलॉन्ग अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, जो मैरिन सेलेस्ट जहाज था वो अटलांटिक महासागर में तैर रहा था। एज दे सर्च्ड, जैसे उन्होंने खोजबीन की, द सी फॉर क्लूज, यानी उसके क्लूज के संकेत की, कैप्टन ब्रिक, यानी जो कैप्टन ब्रिक था, एंड द मैन फ्रॉम डाई ग्रेटिया, यानी और जो डाई ग्रेटिया जहाज के लोग थे, फाउंड ए नंबर ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स, उनको बहुत सारी अजनबी चीज़ें वहाँ पर मिली। देयर वाज प्लेंटी ऑफ फूड्स, वहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में भोजन था, एंड वाटर और पानी था। ऑन द शिप, जहाज में ब्रेकफास्ट वाज अरेंज्ड ऑन द कैप्टन्स टेबल, और जो नाश्ता था वो कैप्टन की टेबल पे बिल्कुल ठीक से अरेंज किया गया था। इन हिज केबिन, उनकी केबिन में, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ ऑन द शिप, जहाज में, बाज अनडैमेज्ड, यानी बिल्कुल ख़राब नहीं होती, जैसी कि वैसी ही रखी हुई थी। एंड इट्स प्रॉपर प्लेस, और वह अपनी सही जगह पर थी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा वो आपको नेक्स्ट टर्न में मिलेगा। थैंक यू।